हेलो एवरीवन, मैं राधिक हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि डेनिम की जिप कैसे लगा सकते हैं, कैसे इसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे आप इसमें नया जिप डाल सकते हैं। मेरे पास एक जैक एंड जोन्स की पैंट है जिसकी मैं जिप डालने वाला हूं, नया फ्लाई बटन से जिप बनाने वाला हूं। इस वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, ये मेरे पास जैक एंड जोन्स की पैंट है जिसकी मैं लगाने वाला हूँ जिप। यहाँ पे फ्लाई बटन है जिसकी मैं जिप लगाने वाला हूँ। तो चलिए, मैं इसके लिए मुझे क्या क्या सामान चाहिए वो सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं इसमें लगाने वाला हूँ जिप। तो ये जिप है मेरे पास YKK की ओरिजिनल जिप है जिसमें इसमें मैं इसको लगाने वाला हूँ। इसके अलावा मुझे क्या क्या सामान चाहिए, मुझे चाहिए एक मोटा धागा जो कि इस पर लगेगा, उसके अलावा चाहिए एक पतला धागा। दो धागे अलग अलग तरीके के चाहिए होते हैं। इसके बाद चाहिए मुझे एक पकड़, मुझे बटन निकालने के लिए पकड़ चाहिए होगा क्योंकि ये बटन बहुत ही मजबूत आता है, ऐसे नहीं टूटता है। उसके अलावा चाहिए मुझे एक शार्प ब्लेड चाहिए जो कि यहाँ से धागा खोलने के लिए चाहिए मुझे शार्प ब्लेड। उसके अलावा मुझे चाहिए कैंची, यहाँ से कट करने के लिए वो सारी चीज़ें, धागा तोड़ने के लिए मुझे एक कैंची चाहिए अच्छा सा। उसके अलावा मुझे चाहिए एक चॉक, क्या निशान करना है, कितना निशान करना है वो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कैसे क्या होने वाला है। और एक मेजरमेंट चाहिए हमें जो ये कितने इंच का जिप यहाँ पर अटैच होगा एकदम सही लगेगा। तो चलिए, इस वीडियो में आपको सारी चीजें डिटेल में बनाने वाला हूँ, लाइव एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। तो मेरे पास ये जिप है ओरिजिनल YKK जिसे मैं अटैच करने वाला हूँ। तो चलिए, मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ ये चीज़ कैसे होगा और ये कितने माप का लगेगा। ये जितनी बड़ी फ्लाई है उतने माप का ही जिप लगने वाला है। और मैं फिर से थोड़ा क्रॉस कर देता हूँ ताकि ये इसमें ना फंसे। इसके अलावा ये मुझे इतने पे ही रखना है, तो इसे मैं निशान कर लेता हूँ और ये इतने पे आएगा। इसके बाद हम इस जिप को काट डालेंगे, इतना मार्जिन रहना चाहिए। बहुत ही इजी और सिंपल टू ये है, तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बस इसकी एंगल सही रखनी होती है। ये इतने पे आना चाहिए, इतना मार्जिन छूटना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जिप है, अब हम इसे ना स्टिच कर देते हैं। ये सारे धागे काट देने, नहीं तो दिक्कत आ सकती है इसमें। ये हमारा एक साइड का जिप लग गया, अब हमें लगाना है दूसरी साइड का जिप जो कि ऐसे आएगा। तब मैं पैंट को कर लेता हूँ उल्टा और अंदर वाली जिप अटैच कर लेता हूँ। इसके लिए ना ये खोलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना नहीं लगेगा।
यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है कि ये दोनों चीज़ को आपस में मैच होना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो ये जिप प्रॉपर लग पाएगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले आप आराम से देख लेंगे कि कितना मैच हो रहा है, ये यहाँ पे से यहाँ तक दोनों मैच होना चाहिए, और फिर हम लगाएंगे, स्टिच करेंगे। तो चलिए स्टिच कर देते हैं इसको भी। अब हम इसे देखेंगे कि कितना बड़ा है, और इसे हम कट कर लेते हैं। ये इतना बड़ा है, इसे जबकि कट कर लिया है, और हम इसे पक्की सिलाई के तौर पे इसे बिठा लेते हैं। इसे धागा निकाल लेना है, और इसमें एक और सिलाई आएगी ऊपर से, दो धागे की अलग सिलाई आएगी, उसे हम बाद में मारेंगे। अच्छे से क्लीन कर लेना है इसे। और ये रही जिप, हमारी अटैच हो चुकी है। इसके अलावा इसकी फिनिशिंग कर देते हैं हम, ताकि ये एकदम लगे प्रोफेशनल जैसा। तो इसकी हम प्रॉपर से फिनिशिंग कर देते हैं अभी। ओके, अब हमें चाहिए एक तीसरा धागा, जो कि ये ऊपर की फिनिशिंग में एक तीसरा धागा और चाहिए। तो चलिए तीसरा धागा बन डाल लेते हैं। तो ये धागा हम इसे फिनिशिंग कर देते हैं प्रॉपरली। सो दोस्तों, ये है पैंट जिसमें मैंने जिप लगा दी है, और ये रहा इसका बटन, और ये है इसकी जिप, जो कि प्रॉपर फिनिशिंग के साथ मैंने अटैच कर दिया है। कोई धागा, कोई कुछ नहीं, एकदम प्रॉपर फिनिशिंग है इसमें। और अब हम इसे अटैच करके देख लेते हैं ये दिखता कैसा है इस लेवल पे। ओके, एकदम परफेक्ट। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? लाइक कीजिए, और आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।